हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीही समास के बारे में। बहुव्रीही समास जो है वो हमारा समास का प्रकार है, जो हमारा समास का एक प्रकार है। बहुव्रीही जो है वो हमारा समास का एक प्रकार है। तो आइए शुरू करते हैं पहले बहुव्रीही समास की परिभाषा लिखने से। जिस समास में दोनों यानी कि दोनों खंड जिस समास में दोनों खंड प्रधान जिस समास में दोनों खंड प्रधान न होकर जिस समास में दोनों खंड प्रधान न होकर और समस्त पद अपने पदों होकर और जिस समास में दोनों खंड प्रधान न हो और समस्त पद और समस्त पद और समस्त पद अपने पदों अपने पदों से हटकर से जिस समास में दोनों खंड प्रधान न होकर और समस्त पद अपने पदों से हटकर किसी अन्य संज्ञा जिस समास में दोनों खंड प्रधान न होकर और समस्त पद अपने पदों से हटकर किसी अन्य संज्ञा का बोध कराता है उसे बहुव्रीही समास कहते हैं। परिभाषा पढ़ेंगे। जिस समास में दोनों खंड प्रधान न होकर और समस्त पद अपने पदों से हटकर किसी अन्य संज्ञा का बोध कराता है उसे हम बहुव्रीही समास कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है हमारा विषधर। विच्छेद करेंगे तो विष धारण करने वाला विष धारण करने वाला अर्थात शंकर। पहला जो उदाहरण है वो हमारा विषधर यानी कि विष धारण करने वाला अर्थात शंकर। दूसरा उदाहरण है तिरंगा। विच्छेद करेंगे तो तीन रंगों
वाला अर्थात भारत का झंडा अर्थात भारत का झंडा। ये हो गया हमारा बहुव्रीही समास। धन्यवाद।